दोस्तों, आज हम बताएंगे क्या ज्योतिष हमारा भविष्य बता सकते हैं। दोस्तों, एक बार एक अकड़ू व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष से कहता है कि मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मेरा भविष्य बता सकते हैं। वह ज्योतिष हंसता है और कहता है कि अरे भाई, ये कैसा प्रश्न है, हमारा तो काम ही लोगों का उनका भविष्य बताना है, आओ इधर तभी तुम्हारा भविष्य तुम्हें बता देता हूँ। वह अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिष के पास चला जाता है और अपना हाथ उन्हें दिखाने लगता है। कुछ मिनटों तक लगातार हाथ को घुमाने के बाद वह ज्योतिष उस अकड़ू व्यक्ति को उसका भविष्य बताना शुरू कर देता है। वह ज्योतिष उस अकड़ू व्यक्ति को उसके भविष्य के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताता है, लेकिन अचानक से वह ज्योतिष उस अकड़ू व्यक्ति से कहता है कि वैसे तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन 22 वर्ष की उम्र में तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा संकट आएगा, और अगर तुम उस संकट से बच गए तो तुम्हारा जीवन किसी राजा महाराजा से की तरह बीतेगा। वह अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिष से कहता है कि कैसा संकट गुरुजी। वह ज्योतिष कहता है कि संकट इतना खतरनाक है कि उस संकट के दौरान तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। उसके बाद भी अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिष से पूछता है कि क्या इस समस्या का समाधान कोई नहीं है। उसके बाद ज्योतिष उस अकड़ू व्यक्ति से कहता है कि समाधान है, तुम्हें अपने सीधे हाथ की बीच उंगलियां में एक नीले रंग के पत्थर को अंगूठी पहननी पड़ेगी। उस ज्योतिष के पास बहुत सारी अंगूठियां थी और इस ज्योतिष ने भी अपने हाथ में कई सारी अंगूठियां पहन रखी थी। वह अकड़ू व्यक्ति कहता है कि तो आप मुझे जल्दी से जल्दी उस अंगूठी को मुझे दे दीजिए। वह ज्योतिष कहता है कि परंतु इसकी कीमत 1001 रुपये है, क्या तुम इतनी कीमत चुका सकेंगे। वह अकड़ू व्यक्ति कहता है कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, बस मुझे ये अंगूठी दे दीजिए। उसके बाद वो ज्योतिष उस अकड़ू व्यक्ति को वो अंगूठी दे देता है। अंगूठी लेने के बाद वह अकड़ू व्यक्ति इधर उधर की बात करने लगता है। वह ज्योतिष बीच बीच में उस अकड़ू व्यक्ति को पैसे की याद दिलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिष की बात को नज़रअंदाज करता रहता है। जब बहुत समय बीत जाता है और अकड़ू व्यक्ति अंगूठी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, तब वह ज्योतिष उस अकड़ू व्यक्ति से कहता है कि अरे भाई, अंगूठी के पैसे तो देते जाओ। उसके बाद वो अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिष के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारता है। थप्पड़ लगते ही ज्योतिष तिलमिल जाता है और पूछता है कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो वह अकड़ू व्यक्ति उस ज्योतिष को हाथ जोड़कर कहता है कि यह बात तो आप बताएंगे गुरुजी, क्या आज सुबह आपने अपने आप का भविष्य नहीं देखा, क्या आपके हाथ की इन चमत्कारी अंगूठियों ने आपको यह नहीं बताया था कि आज आपके थप्पड़ लगेगा। दोस्तों, इस लाइफ चेंजिंग कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो दुनिया का भविष्य बताता है उसे अपने भविष्य से कैसे अनजान रह सकता है। देखिए, सवाल यह नहीं है कि कोई आपका भविष्य बता सकता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या वास्तव में आपको अपने भविष्य को जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, जीवन सुंदर केवल तब तक है जब तक कि अनिश्चित है। अगर आपको यह पता लग जाए कि कल क्या होएगा, तो वह जीवन बेस्वाद हो जाएगा। इसलिए ज्योतिष युवा पर विश्वास करने के बजाय अपने कर्मों पर विश्वास करो। दोस्तों, आज की है लाइफ चेंजिंग कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो, तो दोस्तों के साथ भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आदि पर शेयर करें। नमो बुद्धाय।